में टेंशन तो हो जा, खर टेंशन भी हो जा, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे दुखी सुखी हो के। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है गोना गर्भ में को वासनी हो जा तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में सो घाटे बाधे हों उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान डाल रखी है काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुटी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई दो नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल बिचली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कथित पूरा अंगा ला दिया, ऐसे ये टेक्निकल दोनों ऐसे बना दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आँख खुले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कभी ना जाना रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवाद सुन ले, यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ ये साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसीलिए चुना था कि अब ये जो जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये मारा काम आवेंगे, एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्मा ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, उसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा, और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीणते पानी के, गिलास के गिलास पीवा जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दें तो बड़े खुश होया करते थे, या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे, और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जोत का घी दान किया जा रहा, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं, और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा करेंगे। अब ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी। चाहे रो के करो, चाहे खुश होके कर लो, दुखी होके कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे, लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे परमात्मा, ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये के ले के गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसके इसको जीवन दान भी देता, इसकी आयु भी बढ़ा देता, यदि सत भक्ति करता था।
और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे वो याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवार के परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती हैं, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट हर हट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बैल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआ होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर, और वो बैल से बैलों को चला जा घुमाया जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था, और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी, तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी, उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वह SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे, वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चू चर चू चर चू करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर, और वह फड़क गई, एक किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चूचू बंद कर दे भाई, चींचू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उसने वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था, तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना जल आना भी बंद हो गया, और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था, खेत में जल साथ साथ, वह जमीन प्यासी थी पी रही थी, जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा, घोड़ी निकट आई जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि एक किसान जल निकाल, उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चू ची चू, फिर हुई घोड़ी फिर भागी। वो किसान को उसने कहा दरोगा ने गया चू चू बंद करवा, ची चू बंद कर, उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला दरोगा जी इस ची चू में पी गए ना दोनों मरोगे तुम, तो ये ची चू में ही पीना पड़ेगा, ये जल राम नाम का भाई, जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सह से भक्ति और बर्बाद होगी, तो इस ची चू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो, और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या ची चू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर पांच पहर धन दे गया और तीन पहर रया सोए,
एक पैर हरि ना बजा फिर मुक्ति कहां से होए। आठ पहर 24 घंटे को, आठ पहर में पहले आठ पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में आठ, एक पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तैतन धंधा कराया 15 घंटे, 5 पैर तो, 3 पैर तो सो गया, यानी एक दिन रात टोटल पूरा कर दिया, और एक पैर हरी ना बजा 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धंधे गया 3 पैर असो हुए, एक पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहाँ से हुई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में तो 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरन करता जा, बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें, खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोड़ता जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते, तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा, कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवाद सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदरमणि 1 घंटा तो हो गया, आध 35 मिनट की आरती होती है 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्मा नहीं, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर करने लग गए, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सदभक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की, करते हैं तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल, और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है, और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है उसके विषय में बता रखा है सुख संवेद में कि एक अलाई और 1,000 कसाई बराबर पाप होता है। एक अलाई, अलाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी किले की एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी ऐसे एक अलाई बोलता था उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता, तो उस टुकड़े को एक अलाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20x200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हलते, उसमें पाप और 1,000 कसाई एक बराबर पाप होता है, क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में गए, फाड़ी निकाल दी, वो कुश निकाल दी और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऐटोमेटिकली कुछ बीज जड़कर जमीन पर गिर जाता है,
उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट